चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरु महाराज जी के सच्चे दरबार के, सियावर रामचंद्र महाराज जी के, कृष्ण बलदेव के, सत्य सनातन धर्म के आदरणीय सज्जन वृंद, पुनः दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जिस प्रकार की परम श्रद्धा है सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की असीम प्रेरणा एवं अनुकंपा से हम पिछले दिनों से इस प्रभु की कथा का रसपान कर रहे हैं। प्रभु के जीवन की अनन्य लीलाओं को श्रवण किया जिसमें बहुत ज़्यादा गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, जो हमारे जीवन को, हमारी ज़िंदगी को एक प्रेरणा देते हैं, एक प्रेरणा के दीप हैं जिसको हम अपने हाथ पर रखकर अपने जीवन को रोशन कर सकते हैं। कल हमने सुंदरकांड की यात्रा की। सुंदरकांड जो प्रभु के अनन्य भक्त हनुमान जी की यात्रा है। हनुमान जी भक्ति को प्राप्त करने के लिए, उनके अन्वेषण के लिए चल पड़ते हैं। मार्ग में कितनी बाधाएं आती हैं, कितनी समस्याएं आती हैं, परंतु हनुमान जी रुकते नहीं हैं, अग्रसर रहते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। वो जानते हैं कि मैं जिस लक्ष्य की ओर बढ़ा हूँ, उस लक्ष्य पर, उस मार्ग पर बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी बाधाएं हैं, परंतु वो एक एक कर बाधाओं का सामना करते हुए पार होते चले जाते हैं, क्योंकि जीवन भी एक संघर्ष है, एक संग्राम है, जिस संग्राम में हमने विजय को हासिल करना है, हारना नहीं है, कांपना नहीं है, डरना नहीं है,
कल भी हमने विचार किया कि जीवन संग्राम तो है ही, परंतु जब संग्राम हो जाएंगे तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। फिर हम कभी भी मार्ग में रुकेंगे नहीं, हम अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। रुकते तभी हैं, डगमगाते तभी हैं, जब तक हम संग्राम को महसूस नहीं करते। परंतु हनुमान जी के साथ तो राम है, उनकी कृपा है, उनका प्रेम है, उनका वात्सल्य है, इतने खजाने को लेकर चल रहे हैं तो मार्ग में कहाँ रुक सकते हैं। क्योंकि हमारे संत महापुरुष बताते हैं कि यह परिस्थितियां एक मापदंड है, स्केल का काम करती हैं यह परिस्थितियां, एक जीवात्मा को मापती हैं कहां पर खड़ा है, इसके भीतर में कितने गुण हैं, इसमें कितनी सहन शक्ति है, कितनी सहनशीलता है, ये एक स्केल है जो हर जीवात्मा पर लगाया जाता है, उसको मापा जाता है। परंतु अगर हम संग राम को लेकर चलेंगे तो हमारा मापदंड उचित हो जाएगा। अगर हम अपने साथ परमात्मा का दीदार करते हुए, उसका सुमिरन करते हुए नहीं बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, कांच रह जाएंगे, हीरा नहीं बन पाएंगे। क्योंकि आपदाएं, समस्याएं, विपदाएं ऐसी एक छैनी है जो तोड़ती नहीं है, हमारा निर्माण करती है, हमें हीरा बनाती है, ऐसा व्यक्तित्व बना देती है। फिर हम कभी अपने जीवन में हार नहीं खाते, हम अपने जीवन में ठोकर नहीं खाते। कहते एक बार क्या हुआ, राज दरबार में एक राजा के पास दो चमकीली वस्तुएं थी, देखने में हीरे ही लग रहे थे, परंतु दोनों में से एक हीरा था और एक कांच था। राजा ने उद्घोष किया कि जो कोई भी आज यह बता देगा कि इन दोनों में से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, उसको माला माल कर दिया जाएगा, और जो इस बात को नहीं बता सकता उसको मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। प्रस्ताव सामने है, बड़े बड़े पारखी, बड़े बड़े जौहरी आए परंतु हार गए, निर्णय नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों ही देखने में बिल्कुल हीरे ही लग रहे थे, कौन उसका अनुमान लगा पाएगा। जब राजा ने देखा कि कोई भी पारखी नहीं है, मन उदास हो गया। उसी समय उस राज दरबार में एक सूरदास आया, एक अंधा व्यक्ति आया, उसने कहा राजन जानना चाहते हो, मैं तुम्हें बताऊंगा। राजा मुस्कुरा दिया, कहने लगे आपके तो नेत्र नहीं है, आपकी तो ज्योति नहीं है, जिनके पास चक्षु हैं वह भी देख नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, तो आप इसकी क्या पहचान कर पाओगे। उन्होंने कहा मैं करके दिखाऊंगा, तुम ऐसा करो हीरा और कांच जो तुम्हारे हीरे हैं मेरे हाथों पर रख दो और मुझे घर के आंगन पर छोड़ दो। राजा ने वैसा किया, दोनों हाथों पर वो चमकीली वस्तुएं रख दी और आंगन पर भेज दिया। जिस समय आंगन में कुछ समय के बाद बैठने के उपरांत वो सूरदास व्यक्ति पुनः राजमहल में लौटे और उन्होंने कहा राजन ये हीरा है और ये कांच है। जिस समय राजा ने देखा उसने कहा आपने तो सत्य अनुमान लगाया, आपको कैसे पता चला ये हीरा है और ये कांच है। उसने कहा मैं तो धूप में चला गया था और धूप में जो तप जाया करता है वो कांच हुआ करता है और जो तपता नहीं है वही हीरा हो सकता है। कितनी सुंदर बात है, जो परिस्थितियों में तप जाते हैं, उब जाते हैं, जल जाते हैं, वो कांच ही होते हैं, वह हीरा नहीं हो सकते। आज हनुमान जी भी चल रहे हैं, रुकते नहीं हैं, चलते हैं, इसलिए वो कांच नहीं है, वो हीरा है और वो हमें भी हीरा ही बनाना चाहते हैं। संघर्ष कर रहे हैं भक्ति को पाने के लिए, अंतिम लक्ष्य है भक्ति को पाना, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े मैं विजय जरूर हूंगा। हम भी भक्ति को पाने के लिए ना जाने कितने संघर्ष करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, परंतु हम भक्ति को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते। हनुमान जी ने संघर्ष किया, उनका संघर्ष सफल हो गया, वो जीत गए, हम क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, एक सवाल है प्रत्येक जीव आत्मा के समक्ष।
सत्य कहा, केवल संघर्ष कर लेना विजय को हासिल कर लेना नहीं है सज्जनों। अगर हम ऐसा सोचते हैं केवल पुरुषार्थ कर लेना, मेहनत कर लेना, चल पड़ना ही विजय है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हनुमान जी अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उन्हें दिशा का भी भान है, मैंने किस दिशा में बढ़ना है, किस लक्ष्य की ओर बढ़ना है, मेरा मार्ग कौन सा है, मेरी मंजिल कौन सी है, मैंने अपने कदमों को किस तरफ से गति देनी है। यह नहीं कि एक इंसान के पास बल है, उसके पास बुद्धि है, विवेक है, चल पड़ा है भक्ति को पाने के लिए, निकल पड़ा है परमात्मा को पाने के लिए, बड़ा प्रयास किया, बड़ा पुरुषार्थ किया, मिला कुछ नहीं। क्यों नहीं मिला? कहाँ कमी रह गई है? पुरुषार्थ में कमी नहीं है, कमी दिशा में है। एक नदी है, उसका लक्ष्य सबको पता है सागर में मिलना है। वह सागर को मिलने के लिए भरसक प्रयास करती है, प्रयत्न करती है और सागर में समा जाती है। परंतु वहीं पर अगर नदी की दिशा थोड़ी सी गलत हो जाए, नदी सागर की ओर उन्मुख होने की बजाय मरुस्थल की ओर उन्मुख हो जाए, तो आप ही बताइए क्या वो अपने सागर से मिल पाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक यही स्थिति हमारी भी है। हमने भी बचपन से लेकर आज तक ना जाने कितना संघर्ष किया है, कितना प्रयास किया है, प्रयत्न किया है, परंतु हमारी दिशा ठीक नहीं है, हमारी दिशा में कमी है, दिशा गलत है थोड़ी सी। कौन सी दिशा की ओर बढ़ना है? परमात्मा को पाना है, भक्ति को पाना है, तो कौन सा मार्ग है? महायनो येन गतः स पंथः, कौन सा मार्ग है? वही मार्ग जिस मार्ग से हमारे संत महापुरुष होकर गुजरे हैं, उसी मार्ग का अनुसरण हमने करना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि अर्जुन, आज मैं तुम्हें जो प्रदान कर रहा हूं, जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, वह कोई नई वस्तु, नई चीज, नया ज्ञान नहीं है। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाग्विब्रवीत। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें वही सनातन पुरातन पद्धति प्रदान कर रहा हूं, वही ज्ञान जो मैंने मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, विवस्वान को दिया। कोई नया मार्ग नहीं, कोई नई लक्ष्य नहीं, नया रास्ता नहीं, वही जिस मार्ग से हमारे भक्त गुजर कर गए हैं, उसी मार्ग का अनुसरण हमने भी करना है। और जब तक हम उसका अनुसरण नहीं करेंगे, तो चाहे कितना भी पुरुषार्थ कर लें, मंजिल नहीं मिलेगी, भटकते रहेंगे। हमने किसी शहर में जाना है, किसी नगर में जाना है, तो हमें किसी मार्गदर्शक से पूछना पड़ेगा, भाई साहब इस सड़क कहाँ जाती है, कौन सी गाड़ी में चढ़ना है, ये नहीं पता है जाना है, इतनी गाड़ियां हैं, किसी में भी चढ़ जाओ आप पहुंच जाओगे, ये धोखा है, ये वास्तविकता नहीं है। हनुमान जी को एक लक्ष्य दिया, आपने भक्ति पानी है, आपके जीवन में भक्ति चाहिए, सीता माँ की खोज करनी है, तो उचित दिशा में गए, तो एक एक बाधा को पार भी कर लिया। ठीक ऐसे ही हमने भी करना है। और जिस समय हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, लंका की भूमि को देखते हैं, नगर को देखते हैं, ये तो स्वर्ण नगर है, सोने का बना हुआ नगर है, जो एक प्रलोभन की तरह ही काम कर रहा है। जो कोई जीवात्मा अगर इस लंका नगरी में प्रवेश करेगी, तो वो अवश्य ही भटक सकती है, परंतु भक्त कभी नहीं भटकता। हनुमान जी भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण करते करते अचानक वो एक द्वार पर पहुंचे, जहां पर धनुष बाण था, तुलसी के पौधे लगे हुए थे। देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, राक्षसों की नगरी में यह घर किसका है? ऐसा लग रहा है राक्षसों के बीच में किसी भक्त का वास है। और जिस समय हनुमान जी भ्रमण करते उस द्वार पर पहुंचते हैं, और वह द्वार, वह घर विभीषण जी का द्वार है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय हनुमान जी विभीषण जी के द्वार पर जाते हैं, उस समय विभीषण जी जाग जाते हैं। ते ही समय विभीषणु जागा। आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि जागना और सोना है क्या। एक हम रात्रि को शयन कक्ष में जाकर सोते हैं, और एक मोह माया की निद्रा में सोना है।
जिस मोह माया के निद्रा में सारा संसार सो रहा है, इसीलिए हमारे उपनिषदों में कहा, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्य या दुर्गम पतस्तत कवयो वदन्ति। उठो, जागो और ऐसे सदगुरु की शरणागत हो जाओ। यहां हम समझेंगे, सबसे पहले उन्होंने कहा उठो, फिर जागो, भाव उठकर पुरुषार्थ करो, प्रयास करो और ऐसे तत्ववेता की शरण में जाओ जो स्वयं जागा हो और हमें भी जगा दे। जिस समय हम ऐसे तत्ववेता की शरण में जाएंगे जो हमें परमात्मा का साक्षात्कार करवा देगा, उस समय हम भी जाग जाएंगे, उससे पहले हम जाग नहीं सकते। और आज विभीषण जी के द्वार पर ही ऐसे ही तत्ववेता का आगमन हुआ है, जिनके आगमन से उन्होंने अपने अंतस में परमात्मा की अनुभूति को किया और वह जाग गए। जिस समय विभीषण जी के द्वार पर पहुंचे, जाग गए, समझ आ गई, प्रणाम किया। हनुमान जी ने विभीषण जी को देखा, देखकर ऐसा लगा ये कोई प्रभु का अनन्य भक्त है, इसको अपने दिल की सारी बात कह देनी चाहिए कि मैं किस प्रयोजन से आया हूं। अपना सारा वृतांत सुनाया। विभीषण जी ने भी कहा, मैं दिन रात प्रभु का स्मरण करता हूं, मैं उनका दीदार करना चाहता हूं, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। हनुमान जी कहने लगे, विभीषण जी, इस राक्षसों की नगरी में एक भक्त को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सोच नहीं सकता था कि ऐसी परिस्थितियों में भी कोई रह सकता है। तो हनुमान जी कहने लगे, ये तो आप बड़ी अच्छी परिस्थितियों में रह रहे हो। उन्होंने कहा, अच्छी परिस्थितियों में? अरे हनुमान जी, मुझसे पूछिए मैं कैसी परिस्थितियों में रह रहा हूं, मैं अपने जीवन का निर्वाह कैसे कर रहा हूं। चहूं और हाहाकार है और उस भीषण हाहाकार में मैं परमात्मा का स्मरण करता हूं। हनुमान जी, जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, ठीक इसी प्रकार मैं भी इस राक्षस नगरी में वास करता हूं, मैं भी इस राक्षस नगरी में। हनुमान जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे, विभीषण जी शोक मत कीजिए, उदास मत होइए, आप तो बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विभीषण जी कहने लगे, आप मुझ पर कटाक्ष कर रहे हो, मैं तो बड़ा दुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूं और आप कहते हैं ये जीवन तो है ही बड़ा सुखद। हनुमान जी कहने लगे, आप मेरे भावों को नहीं समझ पाए, आप मेरे भावों को समझिए। देखिए, जीवा तो सदैव रहती है, सब बाद में दांत आते हैं और सबसे पहले चले जाते हैं, दुष्ट आता है और चला जाता है, परंतु सज्जन हमेशा रहता है, सज्जन की यादें हमेशा रहती है। और सबसे बड़ी उपलब्धि आपको मिली है, जब यह आपको तंग करते हैं तो आपको कोई संसार नहीं, आपको करतार याद आता है, आपको कोई अपना मित्र, अपना हितेशी, अपना बंधु नहीं, आपको परमात्मा की याद आती है। आप तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूं। उन्होंने कहा, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, आज तक कहीं ना कहीं मेरे मन में होता था मैं कैसी परिस्थितियों में रहता हूँ, चहूं और मेरे साथ राक्षस हैं, मेरा अपमान करते हैं, मुझे भक्ति नहीं करने देते, आज समझ गया ये सारे तो मुझे मापते हैं और मेरी भक्ति की यात्रा को आगे लेकर जाते हैं। कहने लगे, भ्राताश्री, अब आप मुझे माँ का पता बता दीजिए। जैसे हनुमान जी ने कहा भ्राताश्री, विभीषण जी कहने लगे, हनुमान जी, मैं और आपकी दोनों की जाति एक नहीं है, फिर भी आपने मुझे भाई कहकर संबोधित किया। हनुमान जी कहने लगे, अभी भी धोखे में हो, अभी तक वास्तविकता को जाने नहीं हो, संसार के नाते तो वास्तविक नाते है ही नहीं है, हम तो एक पिता की संतान हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि आपने माँ का दीदार किया है और मैंने पिता का दीदार किया है, अंतर इतना है तो हम एक ही पिता की संतान। आप मुझे मार्ग बताइए कि मैं कहाँ माता को खोजूं और उनको प्रभु का संदेश सुना दूं। विभीषण जी ने बताया कि वो किस प्रकार वाटिका में प्रभु का स्मरण कर रही है और हनुमान जी अपना रूप बदलते हैं, एक छोटा सा आकार बनाते हैं और अशोक वाटिका के वृक्ष की ओट में छिप जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि हनुमान जी तो छिपकर सारा दृश्य देख रहे हैं, माता सीता का दीदार कर रहे हैं और माता सीता भी दयनीय अवस्था में प्रभु का स्मरण कर रही है।
उसी समय क्या हुआ, रावण का आगमन होता है। और जिस समय रावण का आगमन हुआ, रावण ने आज माता सीता के सामने कितने ही प्रलोभनों को रख दिया। कहने लगे, हे सुमुखी, हे सयानी, अगर आज तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती हो और मेरे साथ राजमहल में वास करती हो तो मैं समस्त रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। परंतु माता सीता तो पतिव्रत नारी है, वो कभी भी किसी और का चिंतन कर ही नहीं सकती, प्रलोभन तो उसे छू भी नहीं सकते। आज उन्होंने एक भी प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया। और जिस समय रावण ने देखा कि जानकी तो एक भी प्रलोभन को, एक भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रही, उसी समय अपनी खड्ग निकालकर जैसे ही प्रहार करने लगे, मंदोदरी ने रोक लिया। कहने लगी, नाथ, ये आप क्या कर रहे हो? आप एक नारी पर हाथ उठाओगे? आप इतने बड़े महारथी हो, इतने बड़े योद्धा हो, ये आपको शोभा नहीं देता। और उस समय रावण राक्षसियों को आदेश देता है कि इसको इतना दुखी करो, इतना प्रताड़ित करो कि ये मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने को बाध्य हो जाए। और इतना कहकर रावण तो अपनी रानियों के साथ और दासियों के साथ राजमहल वापस लौट जाता है। और इधर हनुमान जी सब देख रहे हैं कि आज सीता माता के जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। राक्षसियां उन्हें तंग कर रही हैं, प्रताड़ित कर रही हैं। जिस समय त्रिजटा ने देखा, अरे जानकी को राक्षसियां दुखी कर रही हैं, कहने लगे, ये क्या कर रही हो आप? अरे रात्रि में मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा जिस स्वप्न को तुम भी सुनोगी तो डर जाओगी। मैंने देखा हमारी इस वाटिका में एक वानर घुस आया है और उसने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया। और मैंने रावण को बड़ी दयनीय अवस्था में देखा है, और तुम इसे तंग मत करो, ये तो साक्षात भक्ति का रूप है, ये तो शक्ति का रूप है, चली जाओ इससे। जैसे ऐसा आदेश दिया, सभी राक्षसियां तो चली गई, त्रिजटा भी चली गई, और श्री जानकी जी एकांत में प्रभु का ध्यान कर रही हैं, बार बार प्रभु को स्मरण कर रही हैं। हनुमान जी ने देखा मौका बहुत अच्छा है, अगर माँ विलाप करती रह गई तो कहीं ऐसा ना हो ये अपने प्राणों का ही त्याग कर दे। उसी समय अपने हाथ में जो प्रभु के द्वारा प्रदत्त मुद्रिका को पकड़ा था, उसी समय माँ की झोली में डाल दिया। जिस समय माँ की झोली में उस मुद्रिका को डाला, माँ ने उस मुद्रिका को देखा, सोचने लगी, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, और ये मुद्रिका आई कहाँ से? कौन है जो प्रभु की मुद्रिका को लेकर आया है? अभी ऐसा सोच ही रही थी और उसी समय हनुमान जी प्रभु की कथा का गुणगान करना शुरू कर देते हैं। आज हनुमान जी माँ के समक्ष अभी आ नहीं रहे हैं, प्रभु की कथा का गुणगान कर रहे हैं, प्रभु के सारे चरित्र का गुणगान करते हैं, व्याख्यान करते हैं, और वह प्रभु की पावन कथा का रसपान माँ को किस प्रकार करवाते हैं, आइए सभी मिलकर प्रभु की कथा का रसपान करते हैं, आइए। राम चरित पावन मनोहारे भव भय जो भी सुने परम सुख पाए मानुष जन्म सफल जय श्री राम जय जय श्री राम 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 मंगल गावे अवध के वासी लियो अवतार ब्रह्म अविनाशी
दशरथ घर बजी बधाई, माता कौशल्या हर्षाई। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। तीन लोक के ज्ञानी रघुवर शिक्षा पावे गुरुकुल जाकर, प्रथम सुबाहु ताड़ कमारी ऋषि मुनियों के विपदा हारे। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। देख शिला श्राप बस नारी, राम अहिल्या पार उतारे, जनक राज का शोक मिटाया, पल में शिव का धनुष उठाया। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। शंभु चाप का करके भंजन, सियापति भय रघुनंदन, परशुराम का गर्व मिटाया, अपना पावन रूप दिखाया। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। पिता वचन की लाज बचाई, वन में गमन कियो रघुराय, भव सागर से जो प्रभु तारे, उनको केवट पार उतारे। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। राम प्रभु की लीला न्यारे, वन वन भटके पालन हारे, सिया लखन संग पंचवटी में, राम बसे एक पर्ण कुटी में। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। लखन ने सूप नासिका काटी, पंचवटी से दुष्टा भागे, घर दूषण मारिच संघारे, भय भय भीत राक्षस सारे। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। रावण सिया हरण को आया, राम की लीला से भर माया, पापी के प्रभु पाप बढ़ाए, तुम भी को ये सब।
जय श्री राम जय जय श्री राम वानर रीच को मीत बनाया धन्य हुए प्रभु दर्शन पाया बाली वध कर वचन निभाया कपि सुग्रीव राजपद पाया जय श्री राम मैं रघुवर का दूत हूँ माता राम कथा तुमको जय श्री राम। आज हनुमान जी प्रभु के चरित्र को सुना रहे हैं। जैसे ही हनुमान जी ने चरित्र सुनाया, श्री जानकी जी कहने लगी, कौन है जो प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहा है, सामने क्यों नहीं आ रहा? और ये मेरी झोली में जिसने मुद्रिका फेंकी है वो सामने आए कौन है? क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे प्रभु को प्रास्त नहीं किया जा सकता, और ये मुद्रिका माया से भी नहीं बनाई जा सकती। मेरे प्रभु की मुद्रिका को आखिर यहाँ तक कौन लेकर आया है? हनुमान जी ने माँ की ऐसी बात सुनी, जल्दी से आगे आ जाते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगे, माँ मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ, मैं प्रभु का सेवक हूँ। माँ तो एकदम से हनुमान जी को देखकर डर जाती है। मन में विचार आया, हो सकता है रावण का भेजा हुआ ही कोई हो। झट से अपना मुख फेर लिया। हनुमान जी कहने लगे, माँ ऐसा मत कीजिए, आप तो सबको करुणा देने वाली हैं, आप तो माँ हैं, और माँ अपने बच्चे से कभी भी मुख नहीं मोड़ती है। मुझे करुणा निधान की सौगंध, मैं प्रभु का दूत हूँ। जिस समय माँ ने सुना करुणा निधान की सौगंध, भीतर से प्रेरणा हुई, ये अवश्य ही प्रभु का भेजा हुआ कोई दूत है। कहने लगे, आप अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी कहने लगे, एक बेटे का परिचय उसकी माँ है, और माँ का परिचय उसका पुत्र हुआ करता है। मैं आप ही का सेवक, आप ही का पुत्र हूँ, मेरा नाम हनुमान है और मुझे प्रभु ने भेजा है। ये जो मुद्रिका मैंने आपको दी है, यह मुद्रिका मुझे प्रभु ने पकड़ाई थी और मैंने आप तक पहुंचा दी। माँ कहने लगी, हनुमान अगर यह मुद्रिका प्रभु ने दी है तो अभी तक प्रभु मुझे लेने क्यों नहीं आए? क्या उन्हें इस भक्त की याद नहीं है?
वो तो सबका कल्याण करते हैं, सबका मंगल करने वाले हैं, आज उन्हें मेरी याद नहीं है। जैसे ही ऐसा कहा, कहने लगे, नहीं माँ, वो तो हर क्षण हर पल आपको याद करते हैं, आपको स्मरण करते हैं। अभी तक आपका पता ही नहीं चला था, अब आपका पता चल गया है। बहुत भारी वानर सेना है, सभी आएंगे और आपको यहां से लेकर जाएंगे। माँ ने सुना, वानर सेना, कहने लगी, पुत्र, क्या तुम्हारे ही समान, तुम्हारे ही तरह वानर सेना में बड़े बड़े वानर हैं? कहने लगी, हाँ माँ, हमारे समान बड़ी विशाल सेना है, और जब प्रभु उस सेना को लेकर आएंगे तो हम यहाँ युद्ध करते हुए, रावण का वध करते हुए चल जाएंगे। माँ मुस्कुरा दी, कहने लगी, अभी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है इस लंका नगरी में बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महारथी रहते हैं, और उन बड़े बड़े योद्धाओं से, उन बड़े बड़े महारथियों का सामना तुम कैसे कर पाओगे? तुम उनका सामना नहीं कर सकते। एक वानर और बड़े बड़े राक्षस, आप दोनों का तो मेल ही नहीं है। हनुमान जी को लगा माँ के मन में तो संशय है, माँ तो सोच रही है कैसे युद्ध होगा, कैसे विजय हासिल होगी, और मैं कब प्रभु का दीदार करूंगी। कहने लगी, माँ, ये तो आपकी कृपा होगी, प्रभु का आशीर्वाद होगा, तो छोटे से छोटी वस्तु भी बड़े से बड़ा कार्य कर देती है। हम तो प्रभु के सेवक हैं, और सेवक पर जब प्रभु की अनुकंपा हो जाती है तो वो अवश्य सफल हो जाता है। उसी समय क्या किया, प्रभु का स्मरण किया, जय श्री राम का जयघोष लगाया और अपने आकार को बढ़ाना शुरू कर दिया। जिस समय अपने आकार को बढ़ाना शुरू किया, माँ देख रही है, अरे हनुमान तुम तो बहुत विशाल हो गए हो, अरे तुम्हें तो देखकर डर लग रहा है, क्या तुम्हारे ही जैसे वानर है? कहने लगे, माँ, इसमें मेरी कोई शक्ति नहीं है, मेरा कोई बल पराक्रम नहीं है, ये तो आपके संग का प्रताप है। माँ का संग मिला है तो शिशु भी बड़ा आकार लेने लग गया है, प्रभु की कृपा है। माँ, मैं तो यह कहना चाहता हूँ, जिस पर प्रभु की कृपा होती है वो कभी जीवन में हार ही नहीं सकता। जिस पर प्रभु की कृपा होती है, चाहे वो अनाड़ी क्यों ना हो, चाहे उसे कुछ आता जाता ना हो, जिस पर प्रभु की दृष्टि पड़ जाती है, जिसको प्रभु चुन लेता है, वो उससे अवश्य करवा लेता है। सत्य है ये, प्रभु की कृपा जिस शिष्य को, जिस जीवात्मा को मिल जाती है, वो भव से पार हो जाता है, क्योंकि एक जीवात्मा सक्षम नहीं है कुछ करने में, वो पार नहीं हो सकता, वो परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकता, वो चल नहीं सकता, वो बढ़ नहीं सकता। प्रभु क्या करते हैं, उसे माध्यम बनाकर अपनी कृपा की वर्षा कर देते हैं। पात्र नहीं देखते, कुपात्र नहीं देखते, अपनी जीवात्माओं पर हमेशा कृपा करते हैं। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु ने भी मेरी पात्रता नहीं देखी, उन्होंने ये नहीं देखा इसका रंग रूप भाषा शैली अच्छी नहीं है, उन्होंने मुझे चुना है, मुझे ये सेवा का सौभाग्य दिया है, तो वो अवश्य करवा लेंगे। अगर वो मुझसे करवा सकते हैं तो इतनी विशाल सेना से माँ क्यों नहीं करवा सकते, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके तो इशारे की ज़रूरत है, हमें तो उनकी नजरे कर्म चाहिए, उनकी कृपा, उनका वात्सल्य, उनका प्रेम चाहिए। ये सेना तो क्या हम इस पूरे ब्रह्मांड को जीत सकते हैं, माँ ये तो प्रभु की कृपा है। माँ ने देखा इतना विशाल आकार, कहने लगी, मैं समझ गई हूँ, जिस पर प्रभु रीझ जाते हैं वो अवश्य जीत जाता है। अरे हनुमान, मुझे तुमसे डर लग रहा है, तुम अपने आकार में आ जाओ। उसी समय हनुमान जी अपने आकार में आते हैं, कहने लगे, माँ बातें ही करती रहोगी, इतनी लंबी यात्रा कर कर आया हूँ, बड़ी जोरों से भूख लगी है, क्या यहाँ इस वाटिका में कुछ खाने को नहीं मिलेगा? माँ कहने लगी, खाने को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, तुम इसका और भ्रमण करो, तुम्हें ताजे फल मिलेंगे, और उन फलों को खाकर तुम अपनी क्षुधा को शांत कर लेना। हाँ, फिर भी कहूंगी, मुझे पता है जिस पर गुरु की, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वो हार नहीं सकता, फिर भी सावधान रहना। और इतना कहकर माँ ने तो कह दिया, और हनुमान जी अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए चल पड़ते हैं। जिस समय देखा, अरे वाह, बड़े सुंदर ताजे फल लगे हैं, भूख और तेज हो जाती है, और क्या करती हैं, उन ताजे फलों को तोड़कर उनका भक्षण करते हैं। और जिस समय हनुमान जी की क्षुधा शांत हो गई, तो हनुमान जी ने क्या करना शुरू कर दिया,
पेड़ों को वृक्षों को उखाड़ना शुरू कर दिया। जिस समय पेड़ों को उखाड़ना शुरू किया, प्रहरियों ने देखा, अरे हमारी वाटिका में कौन घुस आया है, अरे देखो देखो एक बहुत विशालकाय वानर है जो हमारी वाटिका को तहस नहस कर रहा है। जिस समय प्रहरी सैनिक हनुमान जी पर प्रहार करने लगते, हनुमान जी पहले ही मुष्टिका का प्रहार करते और उनके प्राण उड़ जाते हैं। प्रहरियों ने देखा, अरे ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये कोई पहुंचा हुआ वानर है। उस समय और महारथियों को और सैनिकों को बुलाते हैं और वो भी सैनिक परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं। प्रहरियों ने देखा, ये तो हमारी सारी की सारी वाटिका को तहस नहस कर देगा और बाद में ये लंका पर भी चढ़ाई कर देगा, हमें जाकर राजा को बताना चाहिए। उसी समय कुछ प्रहरी जाते हैं, राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। त्राही माम, अरे राजन हमारी रक्षा कीजिए, अरे राजन हमें बचाइए, अरे राजन हमारी रक्षा कीजिए। रावण ने सुना, रक्षा कीजिए, अरे मेरी ही नगरी में मेरे ही सैनिक और रक्षा की मांग कर रहे हैं। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने विवल क्यों हो और इतनी तीव्र गति से क्यों दौड़े चले आ रहे हो? अरे महाराज हमें बचाइए, अरे हमारी वाटिका में एक बहुत बड़ा वानर घुस आया है। वानर? अरे वानर घुस आया है? अरे मूर्खो, एक वानर से डरकर भाग आए, जाओ उसको बंदी बनाकर लेकर आओ। अरे नहीं राजन, हम उसको बंदी नहीं बना सकते, वो बहुत विशाल काय है, उसमें अथाह बल है, शक्ति है, कोई भी सैनिक उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, हमारी रक्षा कीजिए राजन, हमारी रक्षा कीजिए। रावण ने सुना, हमारी ही वाटिका में एक विशाल काय वानर घुस आया है। उसी समय अपने स्थान से उठा, कहने लगा, मैं उस वानर को बंदी बनाकर लाऊंगा। अक्षय कुमार कहने लगा, पिताश्री आप सम्राट हैं, आप महान योद्धा हैं और एक तुच्छ वानर को बंदी बनाने के लिए आप जाओगे? मैं जाऊंगा, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके चरणों में अभी उस वानर को डाल दूंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। अक्षय कुमार आज्ञा को लेकर वाटिका में प्रवेश करता है और हनुमान जी भूख लगती है, फल खाते हैं और प्रभु की लीला का आनंद ले रहे हैं। कहने लगे, प्रभु मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, परंतु आज मुझसे आप क्या करवाना चाहते हो ये आप ही जानते हो। और उधर अक्षय कुमार और हनुमान जी के बीच में युद्ध चलता है। जिस समय युद्ध चला, हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण किया, जय श्री राम का जयघोष लगाया और एक जोरदार मुष्टिका का प्रहार किया। जैसे मुष्टिका का प्रहार किया, अक्षय कुमार का वध कर दिया। जिस समय रावण ने सुना, अरे मेरे बलशाली पुत्र अक्षय कुमार का वध हो गया है, उसी समय अपने स्थान से उठा, अब तो मुझे ही जाना है, अब तो मैं ही उस वानर को बंदी बनाकर लाऊंगा और उसे दंडित करूंगा, मैं अवश्य जाऊंगा। जिस समय ऐसा कहा, मेघनाथ अपने स्थान से उठा, कहने लगे, पिताश्री एक बार मेरी इच्छा है कि मैं जाऊं, मुझे विश्वास है अपनी शक्ति पर, अपने बल पर, अपने पराक्रम पर, मैं अवश्य उस वानर को बंदी बनाकर लेकर आऊंगा। और मेघनाथ जी चल पड़ते हैं बहुत सारे सैनिक दल के साथ। हनुमान जी इंतजार कर रहे हैं, अब पता नहीं कौन आएगा और किसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि दोनों के बीच में घमासान युद्ध चलता है, दोनों शक्तिशाली हैं और जिस समय दोनों ही कोई एक मुष्टिका का प्रहार कर रहे हैं, उधर मेघनाथ प्रहार पे प्रहार कर रहा है। जिस समय हनुमान जी तो बलशाली हैं, विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं, उनको कौन हरा सकता है? जिस समय मेघनाथ ने देखा, अरे इस वानर को तो हरा ही नहीं सकते, उसी समय ब्रह्मा का ध्यान किया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पर चलाया, हनुमान जी ने देखा, ये तो ब्रह्मास्त्र है और सामने ब्रह्मास्त्र हो और अगर मैं पाश में नहीं बंधा तो ये तो ब्रह्मा जी का अपमान हुआ। उसी समय कहने लगे, प्रभु इसमें भी आपकी कोई लीला है, आपकी कोई रजा है। उसी समय अपने नेत्रों को बंद किया और पाश में बंध जाते हैं। जिस समय पाश में बंध गए, आज मेघनाद बहुत प्रसन्न है कि उसने इतने बलशाली वानर को पकड़ लिया है। और जिस समय सारी सभा इंतजार कर रही है, हनुमान जी को सभा में लेकर आया गया। रावण ने देखा और उसी समय पूछा कि हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है, जहां तक मेरी याद शक्ति है मैंने तुम्हें अपने जीवन में पहले कभी देखा नहीं है, और तुम कौन हो और क्यों हमारी वाटिका को तहस नहस कर रहे हो, किस प्रयोजन से आए हो, हमसे कहो। जैसे रावण ने कहा, हनुमान जी कहने लगे, मैं तो राम दूत हूं, मैं तो अपनी माता श्री जानकी जी से मिलने आया हूं। हाँ,
चाहा नहीं था आपसे भेंट हो, आपसे भेंट हो ही गई है तो मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप शक्तिशाली हैं, आप विद्वान हैं, परंतु आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए, आप प्रभु की शरणागत हो जाइए, आप श्री जानकी जी को वापस कर दीजिए, वो आपको क्षमा कर देंगे, वो क्षमावान है, वो दयालु है। रावण ने सुना, अरे एक वानर और मुझे शिक्षा, होता है ऐसा जिस समय इंसान अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है, अपने आप को विद्वान समझने लग जाता है, उसे लगता है मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं संसार में, मैं ही दूसरों को शिक्षा दूं, मैं ही लोगों को समझा, मुझे कौन समझाने वाला, मैं तो समझदार हूं। और जिस समय एक इंसान, चाहे कोई भी है, रावण है, उसने ऐसी भूल की तो उसे इसका दंड मिला। और इंसान की भी स्थिति ऐसी होती है, कैसी, जिस समय वो अपने आप को समझदार समझने लग जाता, मुझे मत कहिए, मैं सब कुछ जानता हूं, उस समय वो पतन की खाइयों में गिरना शुरू हो जाता है। हम क्यों भूल जाते हैं, हमसे छोटा भी हमें कुछ समझा सकता है, हमसे बड़ा भी हमें कोई अच्छा उपदेश दे सकता है। मकसद यह नहीं है हमें समझाने वाला कौन है, मकसद यह है कि कौन सी बात कही जा रही है। हमारी स्थिति आज ऐसी है, हम सुनना नहीं चाहते, हम धारण करना नहीं चाहते, कोई हमें अच्छी बात कहता हम देखते कौन कह रहा है, किस भाव से कही जा रही है, हमें किसी भाव से कोई लेना देना नहीं है। आज संत समझा रहे हैं परंतु रावण अहंकार के मध्य में चूर है, समझ नहीं आ रही है। संत समझाए समझ ना आए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, होता है ऐसा जब विनाश निश्चित हो जाता है, बर्बादी की कगार पर खड़े हो जाते हैं, अपना पतन कराने पर तुल जाते हैं, उस समय कोई हमें अच्छी शिक्षा भी देता तो हमें समझ नहीं आती है। आज ऐसा ही हो रहा है, संत समझा रहा है, संत बता रहा है, समझ नहीं आ रही, अहंकार है, समझना नहीं चाहता, सोचना नहीं चाहता, सारे द्वार बंद कर दिया, अब किसी द्वार से गुजरने नहीं देना विचार को, बस अपने विचार, अपनी बात, अपनी कहानी, अपना अहंकार, सब कुछ इंसान अपने आप को लेकर चलता है। और जिस समय समझाया, रावण को क्रोध आया, रावण को नहीं उसके अहंकार को, जिस समय अहंकार आया, क्रोध आया, बुद्धि नष्ट हो गई, उसी समय आदेश दिया इसको मृत्यु के घाट उतार दो। जैसे मृत्यु के घाट उतारने का आदेश दिया, विभीषण जी अपने स्थान से खड़े हो गए, कहने लगे भ्रातश्री आप यहां क्या कर रहे हैं, आप तो राज मर्यादाओं से वाकिफ हैं, एक दूत का वध नहीं करते, आप ऐसा कीजिए इसे कोई और दंड दे दीजिए। रावण ने सुना, बात बड़ी अच्छी है, ऐसा करते हैं इसका अंग भंग कर देते हैं, और जिस समय ये अंग भंग लेकर अपने स्वामी के पास जाएगा तो इसका स्वामी भी समझ जाएगा मेरे में कितनी शक्ति है, कितना बल है। क्या किया रावण ने, आदेश दिया कि आज इसकी पूंछ को क्या कर दो, आग लगा दो, क्योंकि वानर को अपनी पूंछ से बड़ा लगाव होता है। जिस समय ऐसा आदेश दिया, हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं, बंधन में जकड़े हुए हैं परंतु चिंता नहीं है, चिंतन कर रहे हैं, चिंता तो छोड़ दी। जिस समय क्या किया, बहुत सारे सैनिक आए, घी तेल कपड़ा लेकर आए, हनुमान जी की पूंछ पर लपेटना शुरू किया। हनुमान जी क्या करते, जय श्री राम का जयघोष करते और अपनी पूंछ का विस्तार करने लग जाते, इतना विस्तार करते, फिर घी तेल कपड़ा बांधते, फिर विस्तार कर देते। जिस समय देखा, अरे ये वानर शक्तिशाली ही नहीं है, ये माया भी जानता है, जिस समय रावण ने देखा ये तो अपनी पूंछ का आकार बढ़ाता चला जा रहा है, उसी समय आदेश दिया, लगा दो इसकी पूंछ को आग, जैसी तैसी भी है इसकी पूंछ को आग लगा दी जाए। उसी समय सैनिकों ने डर के मारे जैसे पूंछ को आग लगाई, हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष किया और एक अटारी से दूसरी अटारी तक और दूसरी अटारी से तीसरी अटारी तक करते करते सारे लंका नगरी को जला दिया। सारी लंका नगरी, अब कुछ समय पहले जो हनुमान जी की ऐसी दशा को देखने के लिए आए थे, जो प्रहार करने आए थे, उनके हाथ जुड़ गए और आज हनुमान जी ने सारी लंका को जलाकर राख कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे होना नहीं था, परंतु हुआ, ऐसा नहीं था कि हनुमान जी ने चाहा था, परंतु ऐसा हो गया। ऐसा क्यों हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की एक चौपाई में बड़ा सुंदर लिखते हैं कि साधु अवज्ञा फल कर तैसा, लंका ने जलना नहीं था परंतु इसी लंका नगरी में एक संत का अपमान हुआ, और जहां संत का अपमान होता है वहां के लोगों को ऐसा परिणाम तो भोगना ही पड़ता है।
जो लोग हनुमान जी पर प्रहार करने आए थे, आग लगाने आए थे, आज वो स्वयं ही जल रहे हैं। होता है ऐसा, कर्म सिद्धांत है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। इंसान भूल जाता है, वो कहता है मैं करूं बुरा पाऊं अच्छा, बीजू कुछ और काटू कुछ और, परंतु ऐसा नहीं है। जो दूसरों के घरों को, दूसरों को जलाने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले वो स्वयं जलते हैं। जो दूसरों की शांति को अशांति में बदलना चाहते हैं, वो स्वयं अशांत होते हैं और कहते हैं पता नहीं मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कभी कुछ किया नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों, भाग्य हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ईश्वर ने ऐसा क्यों। दोषारोपण ईश्वर के ऊपर। ईश्वर क्या करे, स्वतंत्र छोड़ा है, कर्म करने में आजाद है, क्या करना है क्या नहीं करना आपको सब पता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये भी आपको ज्ञान है, सब चीजें पता है, परंतु सब कुछ पता होते भी आप कर्म के सिद्धांत को झुठलाना चाहते हैं। और जिस समय सारी लंका को राख कर दिया, हनुमान जी सागर में शांत करते हैं अग्नि को और माँ के पास पहुँच गए, जाकर माँ के चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे माँ अब मुझे अनुमति दीजिए, कुछ ऐसी वस्तु को ऐसी चीज उपहार दीजिए जिससे मैं प्रभु को विश्वास दिला सकूं कि मैं आपका दर्शन कर कर आया हूं। और उसी समय माँ अपनी चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी के हाथ पर रखती है और हनुमान जी फिर प्रभु का स्मरण करते हुए प्रभु के पास लौट आते हैं। हनुमान जी तो लौट आए, जाते समय अगर उनके जीवन चरित्र को देखे, उनकी यात्रा को देखे तो बड़े विघ्न थे, आते समय कोई विघ्न ही नहीं है। जिस समय एक भक्त चलता है, बढ़ता है, प्रभु को पाना चाहता है, उसके जीवन में बाधाएं आती हैं, परंतु जिस समय वो प्रभु को पा लेता है उसके बाद वो सम अवस्था हो जाती है उसकी, फिर उसे बाधाओं से समस्याओं से जूझना आ जाता है, फिर उसके जीवन में कोई रुकावट नहीं आती, फिर वो भक्ति करता है, सुमरन करता है, यात्रा को आराम से तय कर लेता है। और जिस समय जामवन जी, नल नील अंगद जी ने देखा हनुमान जी, कहने लगे हनुमान जी क्या माता का पता चला, क्या आप माता श्री के दर्शन कर कर आए हो। हनुमान जी ने सारा वृतांत सुनाया, कैसे माता को मिले, कैसे बाधाओं का सामना किया, लंका दहन सारा वृतांत सुना दिया। और इधर सभी चल पड़ते हैं प्रभु का दीदार करने के लिए, प्रभु का दर्शन करने के लिए। जामवन जी गए, चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे राम प्रभु हनुमान जी ने ऐसे कार्य को किया है कि ऐसा कार्य कोई कर ही नहीं सकता, उन्होंने बड़े महान कार्य को पूर्ण किया है। सारा वृतांत सुनाते हैं, प्रभु ने सुना, कहने लगे जामवन जी आप हनुमान जी की महिमा का गुणगान तो कर रहे हैं, परंतु हनुमान जी है कहाँ, देखिए हनुमान जी का चरित्र कैसा है, सेवा के लिए सबसे आगे और प्रशंसा के लिए सबसे पीछे। हम होते तो शायद सबसे आगे होते कि हमने बड़े अच्छे कार्य को किया है, परंतु वो जानते हैं मैं माध्यम हूं, करने वाला वो परमात्मा है, अगर उसकी कृपा नहीं होती तो मैं कैसे चल पाता। हनुमान जी को कृपा का आभास है, समझते हैं, विवेकी हैं, प्रभु ने करवाया, मैं तो एक माध्यम, मुझे तो श्रेय मिल रहा है, इसलिए सबसे पीछे खड़े हैं। प्रभु कहने लगे हनुमान कहाँ है, उसे भीतर लेकर आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हनुमान जी डर डर रहे हैं और प्रभु के पास प्रणाम किया, प्रभु ने जल्दी से अपने वक्ष स्थल के साथ लगा लिया, कहने लगे हनुमान आज मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, आज मैं तुम्हारा सच में ऋणी हूँ, जैसा कार्य हनुमान आज तुमने किया है ऐसा कार्य तो कोई कर ही नहीं सकता। हनुमान जी तो एकदम से डर गए, कहने लगे प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मुझे बचाओ, ये आप कैसे वाक्य बोल रहे हैं। प्रभु कहने लगे सत्य ही तो कह रहा हूं, अभी तक ऐसे कार्य को कोई नहीं कर पाया जो तुमने किया है, और यह ऋण मैं कभी अपने जीवन में उतार ही नहीं सकता। हनुमान जी कहने लगे प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु देखिए मेरी रक्षा कीजिए, मैं अकेला पड़ गया हूं। प्रभु कहने लगे किससे रक्षा करूं हनुमान, यहां तो सब तुम्हारे अपने हैं, अपने मैं तुम्हारा अपना हूं, ये सारे तुम्हारे अपने, किससे तुम्हारी रक्षा करूं। उसी का नहीं प्रभु मेरी रक्षा करो। प्रभु कहने लगे हनुमान लंका में अकेले चले गए, रास्ता भी अकेले तय कर लिया, दहन भी अकेले कर दिया, तब तो मुझे पुकारा नहीं, तब तो कहानी मेरी रक्षा करो, और अब अपनों के बीच में खड़े हो रक्षा की मांग कर रहे हो। हनुमान जी कहने लगे प्रभु
प्रशंसा के कारण उत्पन्न अहंकार रूपी राक्षस से मेरी रक्षा करो। मैं जानता हूं जब एक जीवात्मिक शिष्य के जीवन में अहंकार आ जाता है तो उसका पतन निश्चित है। प्रभु, मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन का भी पतन हो। मैं नहीं चाहता मेरी और आपके में दूरी पैदा हो। मैं तो दूरियों को कम करना चाहता हूँ, आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। प्रभु, मुझे इस अहंकार के राक्षस से मेरी रक्षा कर दीजिए। प्रभु ने गले से लगा लिया। प्रभु भी भक्त की परीक्षा लेते हैं और जिस समय भक्त परीक्षा में सफल हो जाता है तो प्रभु भी प्रसन्न होते हैं। प्रभु बार बार कहते हैं, बार बार परीक्षा ले रहे हैं कि उसके अंतस में कौन सी भावनाएं प्रकट होती हैं। कहने लगे, हनुमान ठीक है, तुमने अच्छा कहा, जो किया है मैंने किया है, परंतु देखो यात्रा तो तुमने ही तय की है, चले तो तुम ही थे ना, इतनी बड़ी बड़ी बाधाओं को तुमने ही पार किया, वहां मैं कहां था, मैं तो था ही नहीं। उसने कहा, नहीं प्रभु, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, देखिए आप कह रहे हो कि मैंने सब कुछ किया, तो मैं कह रहा हूं मैंने नहीं किया, सब कुछ आपने किया। प्रभु कहने लगे, मैंने क्या किया, मैं तो यहां पर बैठा था। उसने कहा, प्रभु आपने जिस समय मैंने यात्रा शुरू की आपने मुझे एक मुद्रिका दी, और आपको पता है आपकी मुद्रिका की कृपा के सहारे ही तो मैं इतना विशाल समुद्र लंघ गया। कोई बाधा कोई संकट मुझे संकट लगे ही नहीं, ये आप ही की ही कृपा थी, इसमें मेरा कोई योग्यदान नहीं है। प्रभु मुस्कुरा दिए, कहने लगे, अच्छा हनुमान जाते समय तो तुम्हारे पास मुद्रिका थी, परंतु आते समय तो तुम्हारे पास मुद्रिका भी नहीं थी, तब तो तुमने अकेले ही मंजिल को प्राप्त किया है ना, अकेले ही विशाल सागर को पार किया है, क्योंकि मुद्रिका को तुम जानकी के हाथ में थमाए थे। उसने कहा, नहीं प्रभु, आते बार भी मैं अकेला नहीं था, क्योंकि जाते समय आपकी मुद्रिका साथ थी और आते समय माँ ने चूड़ामणी दे दी थी, जाते मुद्रिका के सहारे चला गया, आते चूड़ामणी के सहारे, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। प्रभु कहने लगे, अच्छा हनुमान यह बताओ, जाते तो मुद्रिका थी और आते चूड़ामणी थी, परंतु जिस समय तुमने लंका को जलाया ना तो तुम्हारे पास मुद्रिका थी और ना ही तुम्हारे पास चूड़ामणी थी, वो तो तुमने खुद ही जलाया ना। कहने लगे, नहीं प्रभु, वो भी मैंने नहीं किया, क्योंकि राम और जानकी के विरह से प्रभु लंका तो पहले ही जल चुकी थी, मैंने तो इसमें कुछ नहीं किया, मैं तो एक माध्यम हूँ, केवल एक माध्यम, आपकी विरह अग्नि ने तो उसे पहले ही राख कर दिया था, मैं गया तो केवल मुझे श्रेय मिला है, प्रभु करने वाले तो आप हो। प्रभु मुस्कुरा दिए और जल्दी से उसे गले से लगा लिया। कहने लगे, आज तुम अपनी परीक्षा से सफल हो गए, पास हो गए हनुमान। और उधर हनुमान जी और प्रभु श्री राम मंत्रणा करते हैं किस प्रकार विशाल सागर तक पहुंचना है, और करते करते विशाल सागर के तट पर पहुंच जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि इधर रावण को सभी समझाने का प्रयास करते हैं, उसके मित्र, उसके बंधु, हितेशी, मंदोदरी, भाई सब, परंतु रावण को समझ नहीं आ रही है। जिस समय विभीषण जी कहने लगे, आज तो मैं अपने भैया को जरूर कहूंगा कि वो जो भी कर रहे हैं अनिष्ट है, अकल्याण है, उसमें कल्याण नहीं है, इनके कारण सारे का सारा वंश खत्म हो जाएगा, केवल इनके अहंकार के कारण। जाकर चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे, विवेक से काम लीजिए, बुद्धि से काम लीजिए, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आप श्री जानकी जी को वापस लौटा दीजिए, क्षमा मांग लीजिए, अरे राम तो करुणा के सागर हैं, वो आपको क्षमा कर देंगे, आप उनके चरणों में एक बार क्षमा मांग कर तो देखिए। जिस समय ऐसा विभीषण जी ने कहा, रावण को क्रोध आता है और एक पद प्रहार करता है, और उसी समय विभीषण को अपने राज्य से निकाल देता है। जिस समय राज्य से निकाल दिया, विभीषण जी को याद आई आज हनुमान जी की, कि हनुमान जी ने सत्य कहा था कि तुम्हारा कोई अपना नहीं है, ये संसार के नाते नाते नहीं है, संसार अपना हो ही नहीं सकता, संसार तो ठोकर मारना जानता है, संसार गिराना जानता है, उठाना जानता है तो केवल प्रभु जानते हैं, वो ईश्वर उठाना जानता है, वो सक्षम है, वो हमेशा गिरे हुए को उठाने का प्रयास करता है। याद आई कि सत्य कहा था संत ने, मैं सोचता था ये मेरे अपने हैं, वास्तव में मेरा अपना तो कोई नहीं है, अगर मेरा अपना है तो केवल राम मेरे अपने हैं। जीवन बदल गया, जीवन में ठोकर लगी, प्रहार हुआ तो चिंतन उठा,
याद आई किसकी, संसार की नहीं, मित्र की नहीं, बंधु की नहीं, हितैषी की नहीं, याद आई उस पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की। वो मेरा अपना है, वो मेरा है और मुझे उसके पास ही जाना है। प्रहार हुआ तो दिशा बदल गई, जीवन बदल गया। क्या है ये? हम सोचे क्या हमारे जीवन में कभी प्रहार नहीं हुआ? क्या कभी हमें अपनों ने चोट नहीं दी? हम जीवन भर चोट खाते हैं, जीवन भर चोट खाते हैं। कितनी चोटें खाई हैं परंतु हमारी दिशा परमात्मा की ओर नहीं गई। हम फिर कहते हैं कोई बात नहीं, है तो अपने ना। हम ये नहीं कहते उनको छोड़ दो, उनका त्याग कर दो। हम यह कहते जो वास्तव में अपना है, जो प्यारा है, जो कृपा करना जानता है, जो वात्सल्य उड़ेलना जानता, उसकी शरणागत हो जाओ तो कल्याण ही कल्याण है। आज हनुमान जी की बातें बार बार याद आ रही हैं और कदम कदम चल पड़ते हैं प्रभु की ओर। विभीषण जी को लगा यहां रहना उचित नहीं है, जाना चाहिए प्रभु के चरणों में, पावन चरणों में, जो धाम है, पवित्र धाम है, जिस धाम में जाकर एक भक्त का कल्याण हो जाता है। मैंने भी अपना कल्याण करवाना है। विभीषण जी अपने मन में बहुत सारे विचारों को लेकर चल पड़ते हैं। मन में सोचते हैं ना जाने प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, कहीं ऐसा ना हो शत्रु का भाई समझकर मुझे अस्वीकार कर दें। फिर एक पल में चिंतन उठता, अरे नहीं नहीं मैं कैसी बातें सोच रहा हूँ, प्रभु तो करुणा जानते हैं, वो तो देना जानते हैं, वो कभी भी संशय नहीं, सोच नहीं रखते, वो सब कुछ देते हैं। कभी उन्होंने पात्र कुपात्र का भेद नहीं रखा, चाहे पात्र आ जाए चाहे कुपात्र आ जाए, वो उसके पात्र में कृपा को डाल देते हैं। विभीषण जी मन में बहुत सारे विचारों को लेकर गए और उधर अंगद जी ने देखा विभीषण जी अपने साथियों के साथ आए हैं। भीतर आकर कहने लगे, प्रभु शत्रु का भाई आया है और हमसे संधि करना चाहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम विभीषण जी को बंदी बना लें। प्रभु मुस्कुरा दिए, कहने लगे, नहीं, जो मेरे चरणों में आएगा, जो मेरी शरण में आएगा, मैं उसको कृपा लुटा दूंगा, उसको माला माल कर दूंगा, चाहे वो शत्रु का भाई ही क्यों ना हो, उसे भीतर लेकर आओ। और जिस समय विभीषण जी भीतर आए, प्रभु एक चोटी पर बैठे हैं और प्रभु का हाथ जोड़कर दीदार किया और चरणों में गिरकर एक ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे जीवन के दुखों को समाप्त कर दो, मेरा जीवन दुख की कहानी बन चुका है, इसमें सुख नहीं है, इसमें शांति नहीं है, इसमें आनंद नहीं है, प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, अब कृपा कर दो, अब कृपा से मेरी खाली झोली को, रिक्त झोली को भर दो, केवल मेरी यही याचना है, केवल यही इच्छा है। आज विभीषण जी प्रभु से उनकी कृपा को मांग रहे हैं, क्योंकि जिसको प्रभु की कृपा मिल जाया करती है वो माला माल हो जाया करता है। विभीषण जी प्रभु के चरणों में एक ही पुकार करते हैं, प्रभु मेरे अवगुणों को मत देखना, मेरी पात्र कुपात्र भावनाओं को मत देखना, मैं तो केवल सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में आया हूँ, केवल मुझे आपकी शरण चाहिए, मुझे आपका वात्सल्य चाहिए। जिस समय प्रभु के चरणों में कोई भक्त पुकार करता है, शरण को ग्रहण कर लेता है, तो वो शरणागत वत्सल परब्रह्म परमात्मा अपने भक्त को स्वीकार कर लेते हैं, भक्त चाहे कैसा भी क्यों ना हो। उसी समय विभीषण को उठाया और अपने गले के साथ लगा लिया, कहने लगे, लंकेश कहो कैसे हो? विभीषण जी कहने लगे, प्रभु मैं लंकेश नहीं हूँ, लंकेश तो मेरा भाई रावण है। ऐसा कहा विभीषण जी कहने लगे, मैं लंकेश नहीं हूँ। प्रभु कहने लगे, नहीं, आज से तुम ही लंकेश हो, क्योंकि लंका का राज्य तुम्हें ही संभालना है। लखन को आवाज़ दी, कहने लगे, लखन जाओ राज्य तिलक लेकर आओ, आज हम विभीषण का राज्याभिषेक कर देंगे। उसी समय प्रभु ने क्या किया, विभीषण जी का राज्य तिलक कर दिया, उन्हें लंका का राजा बना दिया। सभी देख रहे हैं, सुग्रीव जी के मन में विचार उत्पन्न हुआ, ये क्या, प्रभु ने ये क्या कर दिया, विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, रावण को अभी मारा नहीं, जीत हुई नहीं,
अभी मार्ग पर बड़े नहीं और प्रभु ने तो पहले ही इसे लंकेश कहकर संबोधित कर दिया, ये क्या किया प्रभु ने? उसी समय प्रभु के पास गए, जाकर कहने लगे, प्रभु आप क्या कर रहे हैं? अभी तो हमने युद्ध का बिगुल बजाया भी नहीं है और आपने पहले ही लंकेश कह दिया इसे। मुझे पता है आप दीन भक्तों को सुख देने वाले हो, भक्तवत्सल हो, शरणागत की रक्षा करने वाले हो, जो भी आपके चरणों में आता है आप उसे क्षमा कर देते हो, ये मुझे पता है। परंतु प्रभु आज मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा है, उसे मैं जरूर कहना चाहूँगा। आपने तो पहले ही लंका का राज दे दिया, कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में कहीं रावण की बुद्धि बदल जाए, बुद्धि विवेक में परिणित हो जाए और वह आपकी शरण में आ जाए, क्षमा की मांग करें, तो फिर आप क्या करोगे? आपने तो पहले ही विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया, तो आप रावण की झोली में क्या डालोगे? प्रभु कुछ बचता ही नहीं है। प्रभु कहने लगे, सुग्रीव अरे रावण एक बार मेरे चरणों में आए तो सही, लंका तो क्या मैं अपनी अयोध्या का राज्य उसकी झोली में डाल दूंगा? केवल एक बार आए तो सही, परमात्मा को किसी राज्य का लोभ नहीं है, वो तो हमेशा अपनी जीवात्मा का कल्याण करना चाहता है। तो उसी समय विभीषण का राज्याभिषेक किया। सभी कहने लगे, विभीषण जी हमें बताइए हम इतने विशाल समुद्र को पार कैसे करें? विभीषण जी कहने लगे, आप ऐसा कीजिए, कुछ दिनों तक यहाँ पर आराधना कीजिए, समुद्र देव को प्रसन्न करने के लिए अनशन त्याग कर उसकी तपस्या कीजिए और जिस समय समुद्र देव प्रकट होंगे वह आपको मार्ग बताएंगे। जैसे ऐसा कहा, लखन कहने लगे, भैया ये तो कायरों का काम है, हम व्रत धारण क्यों करें, हम क्यों बैठें? आप अपने बाण का संधान करो और एक ही बाण से समुद्र को सुखा डालो। प्रभु के सामने दोनों ही बातें हैं, एक तरफ विभीषण जी की बात है और एक तरफ लखन जी की बात है। प्रभु दोनों की बातों को रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक ही बाण से समुद्र को सुखा डालते हैं तो विभीषण जी के मन में आएगा, हूं तो मैं शत्रु का भाई, मुझ पर क्यों विश्वास करेंगे? प्रभु ने क्या किया, 3 दिन तक कुछ ग्रहण नहीं किया और समुद्र देव की आराधना की, और जिस समय 3 दिनों के बाद भी समुद्र देव प्रकट नहीं हुए उसी समय लखन को कहने लगे, लखन लाओ मेरा धनुष बाण, मैं एक ही बाण से सागर को सुखा डालूंगा, लेकर आओ। सभी देखने लग गए, प्रभु इतने आक्रोश में क्यों हैं और ये समुद्र को क्यों सुखा देना चाहते हैं? जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने बाण का संधान किया उसी समय समुद्र देव एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो आया। कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा मंतव्य मेरे भाव ऐसे नहीं थे, मैं जानता हूँ मैं दंड के योग्य हूँ, आप जो भी मुझे सजा जो भी दंड देना चाहे मुझे स्वीकार है, परंतु आप मुझे सुखाइए मत। जलचर जीव थलचर जीव सभी त्राही त्राही कर उठेंगे, प्रभु बाण का संधान मत कीजिए। प्रभु कहने लगे, अगर बाण का संधान ना करूं तो तुम मुझे मार्ग बताओ कि किस प्रकार इतने विशाल समुद्र को मैं पार करूं। तो उसी समय समुद्र देव बताते हैं, कहने लगे, प्रभु आप ही की सेना में नल नील नामक 2 वानर हैं जिनको ये श्राप मिला है, कोई भी वस्तु ये जल में फेंकेंगे तो ये तैरने लग जाएंगे, और इस प्रकार आप विशाल सेतु का निर्माण कीजिए और जिस समय विशाल सेतु का निर्माण करेंगे तो फिर आप लंका पर चढ़ाई कर दीजिएगा। इतना कह प्रभु का आशीर्वाद ले समुद्र देव तिरोहित हो जाते हैं, और इधर प्रभु के भक्त जिस समय यह सुनते हैं, नल नील को बुलाया गया और सभी बड़े बड़े पत्थर बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर लेकर आते हैं और बड़े बड़े पत्थरों पर राम नाम अंकित कर जैसे जल में डालते हैं, ये क्या जल में पत्थर भी तर रहे हैं? जिस समय जल में भी पत्थर तैर रहे हैं सभी प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, सभी प्रभु की महिमा का गुणगान व्याख्यान कर रहे हैं और एक एक कर राम नाम अंकित कर उसमें डाल रहे हैं। जिस समय प्रभु ने देखा सभी पत्थर देते हैं फेंकते हैं और तैरने लग जाते हैं, क्या किया प्रभु श्री राम तट के एक तरफ चले गए। जिस समय तट के एक तरफ गए जाकर एक पत्थर उठाया और जैसे ही पत्थर उठाकर पानी में फेंका तो क्या हुआ, क्या हुआ भाई? पत्थर डूब गया। आप कहोगे ऐसे कैसे डूब गया, भक्त पत्थर फेंक रहे हैं और तर रहे हैं और भगवान पत्थर फेंक कर डूब गया? जिस समय प्रभु ने पत्थर फेंका पत्थर डूब गया, प्रभु ने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा मेरे को,
जिस समय देखा तो कौन देख रहे हैं? संत हनुमान जी देख रहे हैं। हनुमान जी टकटकी बांध कर देख रहे और मुस्कुरा रहे हैं। कहने लगे, प्रभु मैंने सब देख लिया। प्रभु कहने लगे, हनुमान तुमने क्या देखा? अरे प्रभु देखना क्या था, आपने पत्थर फेंका और पत्थर डूब गया, यही देखा जो आपने किया। प्रभु कहने लगे, हनुमान इधर आओ, जाकर किसी को कहना मत, किसी को बताना मत कि राम ने पत्थर फेंका और डूब गया। उसने कहा, प्रभु मैं बताना मत, मैं तो एक एक के पास जाकर कहूंगा, अरे सुनो, अरे भाइयों सुनो, प्रभु श्री राम जी ने पत्थर फेंका और वो पत्थर डूब गया, मैं तो सभी को जाकर बताऊंगा। प्रभु कहने लगे, देखो हनुमान, सभी क्या सोचेंगे, सभी पत्थर फेंक रहे हैं, वो तर रहे हैं, परंतु वो क्या सोचेंगे, राम ने पत्थर फेंका और वो डूब गया। और अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया, तुम तो अपने राम की बड़ी जय जयकार करते हो, बड़ा गुणगान करते हो, उन्हीं के हाथ का पत्थर डूब गया, तुम क्या कहोगे? उसने कहा, प्रभु मैंने क्या कहना, मैं तो वही कहूंगा जो सत्य है, असत्य तो मैं कह ही नहीं सकता। प्रभु जो आपके हाथ से छूट जाता है उसे संसार में कहीं भी जगह नहीं मिलती, वो डूबता ही डूबता है, उसे कभी मार्ग नहीं मिल सकता। जिसे आप छोड़ देते हैं, जो आपसे अलग हो जाता है, उसे संसार में कभी सुख मिल ही नहीं सकता, उसे संसार में कोई और स्थान है ही नहीं जहां वो रह सकता है। प्रभु मुस्कुरा दिए। और इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि प्रभु श्री राम जी की कृपा से एक विशाल सेतु का निर्माण होता है। ये विशाल सेतु केवल बाहरी सेतु नहीं है, प्रभु श्री राम जी हर क्षण सेतु बनाते हैं, हर पल सेतु का निर्माण करते हैं। यहाँ पर कितनी विचारधाराओं के लोग हैं, विभीषण जी का कोई और मत है, लखन जी का कोई और मत है, तो प्रभु क्या करते हैं, लखन और विभीषण जी के में भी एक सेतु का निर्माण करते हैं, विचारों का सेतु बांध देते हैं और उनमें प्रेम की भावनाओं को प्रकट कर देते हैं। प्रभु हमेशा सेतु का निर्माण करते हैं, चाहे वो विश्वामित्र जी हों, चाहे वशिष्ठ जी के बीच में सेतु हो, महाराज जनक जी हों, चाहे महाराज दशरथ जी के बीच में सेतु हो, जनकपुरी या अयोध्यापुरी के बीच में सेतु हो, हर जगह सेतु का काम करते हैं। चाहते हैं कैसे भी हो, मेरे भक्त का कल्याण, मेरे भक्त का उद्धार हो जाए। और इस प्रकार पूरी सेना, पूरे सैनिक, पूरी वानर दल पहुंच जाते हैं लंका में। और जिस समय लंका में पहुंचे, रावण को यह पता चला कि खेल ही खेल में राम ने इतने विशाल सेतु का निर्माण कर लिया है। मन में डर है कि अब मैं हार जाऊंगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, परंतु अपने डर को छिपाने के लिए नृत्यशाला में चला जाता है। अपनी पत्नी को साथ लेकर नृत्य देख रहा है। और जिस समय प्रभु देखते हैं ये बिजली की जगमगाहट, ये बिजली कहाँ से चमक रही है, ये मृदंग, ये ढोल, ये नगाड़े कहाँ से इतनी भयानक ध्वनि आ रही है, विभीषण जी से पूछा। विभीषण जी कहने लगे, प्रभु ये रावण है जो अपने डर को, अपने भय को छिपाने के लिए नृत्य देख रहा है, ताकि लोग और देखें, कहें ये तो बड़ा निर्भीक है, बड़ा निडर है। और प्रभु क्या करते, एक बाण का संधान करते हैं, और जो मुकुट से बिजली चमक रही थी, ऐसा लग रहा था कि आकाश में बिजली है, एक बाण का संधान किया और उस मुकुट को गिरा दिया। जिस समय मुकुट और मंद्रोदी के कर्ण फूलों को गिरा दिया, रावण अपने आप को संभाल रहा है, कहने लगा, डरने की बात नहीं है, भय की बात नहीं है, यहाँ तो शीश का गिरना भी शगुन ही है, और मुकुट का गिरना अपशगुन कैसे हो सकता है। अपने मन को भी सांत्वना दे रहा है और साथ में अपने सदस्यों को भी सांत्वना दे रहा है। मंदोदरी रावण को समझाती है, कहने लगी, आपके कारण पूरे कुल का नाश हो जाएगा, आप जानकी को वापस कर दीजिए, जानकी हमारे लिए काल सर्पनी बनकर आई है, ये एक एक कर मेरे परिवार को खा जाएगी, आप इसको वापस भेज दीजिए, लौटा दीजिए इसको, अन्यथा परिणाम अच्छा होने वाला नहीं है, परिणाम बहुत भयंकर होगा, परिणाम बहुत भयंकर होंगे। रावण को समझाते हैं परंतु समझ नहीं आती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, उधर युद्ध छिड़ जाता है। संक्षिप्त में बताना चाहेंगे जो उनकी एक एक लीला है, बड़ी विस्तार से है। गोस्वामी तुलसीदास जी लंका कांड में युद्ध का विवरण देते हैं कि किस प्रकार प्रभु श्री राम जी की सेना और राक्षसों के बीच में घमासान युद्ध होता है, किस प्रकार मेघनाद लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देता है, और किस प्रकार हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेकर आते हैं, नागपाश से किस प्रकार छुड़ाया जाता है। प्रभु एक एक लीला को करते हुए अपने युद्ध को प्रारंभ करते हैं।
जिस समय युद्ध का आरंभ हुआ, बिगुल बजे, तरह तरह की लीलाएं हुई, कभी नागपाश में बंध जाते हैं और कभी गरुड़ के मन में संशय आ जाता है, कभी अपने भ्राता को मूर्छित देकर विह्वल हो जाते हैं, एक साधारण मानव बन जाते हैं और कहीं पर वीर बनकर राक्षसों के आतंक को खत्म करते हैं। अपनी दृष्टि से प्रभु को नहीं देख सकते हम, कहीं पर योद्धा हैं, कहीं पर भाई का किरदार निभा रहे हैं, कहीं पर पत्नी के वियोग में विह्वल हैं, किस किस दृष्टि से उनका माप करेंगे? अपनी दृष्टि से उनका मापदंड करेंगे तो धोखा खा जाएंगे, जैसे गरुड़ ने भी खा लिया। परंतु जिस समय काकभुशुंडी जी का संग मिला, फिर संशय का निवारण हुआ। ऐसे ही हमारे भी संशयों का निवारण तब होगा जब हमारे जीवन में भी एक संत आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लंका कांड ऐसा कांड है जिसमें प्रभु का चरित्र अलग है। कहीं पर वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मेरा भाई नहीं है तो मुझे पत्नी भी नहीं चाहिए, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ भूल जाते हैं, प्रेम में सब कुछ भूल जाते हैं। लीला है और उस लीलाओं को समझने के लिए हमें विमल चक्षु चाहिए, वो नेत्र चाहिए। और जिस समय ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी लीलाओं को करते हुए युद्ध करते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि एक समय ऐसा भी आता है जिस समय प्रभु श्री राम और रावण के मध्य में युद्ध होता है। आज एक राक्षस, एक अपराधी है जिसको दंड देना है, जिस जो राक्षसों को आतंक मचाता है, जो प्रोत्साहित करता है, जो जन्मभूमि है, जो बीज है, जो आधार है, आज उसके साथ युद्ध होने को है। और क्या करते हैं, प्रभु श्री राम बाण पे बाण का संधान करते हैं और उधर रावण भी बाणों पे बाण संधान करता है। और एक समय गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा आता है, बताते हैं कि जिस समय प्रभु श्री राम जी बाण का संधान उसके नाभि कुंड पर करते हैं, और जिस समय नाभि कुंड पर बाण का संधान किया तो रावण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिस समय रावण मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसका आतंक चरमोत्कर्ष तक था, जो आताताइयों को प्रोत्साहित करता था, इतना बलवान था, अहंकार के मद में चूर था, प्रभु ने बाण से उस आताताई का नाश कर दिया। जिस समय आताताई का नाश किया, देवताओं ने देखा प्रभु श्री राम जी ने जिस कार्य के लिए अवतार धारण किया था, आज उसी कार्य को पूर्ण कर दिया है। आज सभी देवगण पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और प्रभु श्री राम जी का जय जयकार कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी के चरणों पर शीश झुका लो, इनको प्राप्त कर लो, क्योंकि ये आए ही भक्तों का दुख हरण करने के लिए हैं, ये आए ही भक्तों का कल्याण करने के लिए हैं। प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध किया और उसी समय लखन को बुलाते हैं और कहने लगे विभीषण जी का राज्याभिषेक करो और उन्हें सिंहासन पर आरूढ़ करवा कर आओ। विभीषण जी का राज्याभिषेक पुनः हुआ और श्री जानकी जी को जिस समय वापस वाटिका से लेकर आए, अग्नि परीक्षा के पश्चात जो अग्नि भगवान को धरोहर के रूप में श्री जानकी जी को दिया था, उनकी परछाई को लौटाकर श्री जानकी जी को पुनः प्राप्त कर लिया। और श्री जानकी जी को प्राप्त कर प्रभु श्री राम हनुमान जी को कहने लगे, हनुमान समय कम रह गया है और अगर मैंने एक भी क्षण की देरी की तो भरत ने मुझे कहा था मेरी जलती हुई चिता देखोगे, और मैं नहीं चाहता कि भरत कुछ ऐसा कर बैठे जिसका भुगतान हम सबको करना पड़ जाए। हनुमान तुम जाओ ब्राह्मण रूप में और उसे बताओ मैं शीघ्र अति शीघ्र अयोध्या में लौटूंगा, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। और जैसे ऐसा कहा, हनुमान जी ने रूप बदला और चल पड़ते हैं भक्तराज से मिलने के लिए। और इधर विभीषण जी कहने लगे, हम सभी अयोध्या की नगरी में जाएंगे जो इतनी दिव्य और प्यारी नगरी है, जिस नगरी की महिमा आप हमेशा हमें सुनाते हो, प्रभु हम भी उस दिव्य नगरी को देखना चाहते हैं। सुग्रीव जी, नल, नील, अंगद, जामवंत, सभी के मन की इच्छा है कि हम भी उस पावन नगरी को देखना चाहते हैं, जिस पावन नगरी पर हमारे प्रभु ने अवतार धारण किया है, जिस पावन नगरी में हमारे प्रभु का प्राकट्य हुआ है। उसी समय विभीषण जी एक सुंदर विमान मंगवाते हैं और उस विमान पर बैठकर सभी अयोध्या की ओर चल पड़ते हैं। जिस समय अयोध्या की ओर चलते हैं, मार्ग में गंगा के तट पर गंगा को प्रणाम करते हैं श्री जानकी जी और कहने लगी, माँ आप ही की कृपा से हम पुनः अयोध्या की भूमि की ओर बढ़ रहे हैं।
प्रभु श्री राम एक एक स्थान पर रुककर अपने भक्तों का उद्धार भी करते हैं, उनका कल्याण करते हुए ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेते हुए अयोध्या की पावन धरती की ओर बढ़ते हैं। और उधर भरत जी विह्वल हैं कि अभी तक प्रभु का कोई समाचार क्यों नहीं मिल पा रहा, कि प्रभु क्यों नहीं आए हैं, लगता है कि वो कहीं दूर चले गए हैं और कब आएंगे और कब मैं उन्हें जी भरकर नेत्र भर देखूंगा और अपने जीवन को धन्य एवं कृतार्थ करूंगा। अभी मन में ऐसे विचार ही कर रहे थे उसी समय एक ब्राह्मण देव उनके द्वार पर आते हैं। जिस समय ब्राह्मण देव आए कहने लगे, मुनिश्रेष्ठ देखने में तो आप तपस्वी लग रहे हो, परंतु मैं आपको एक समाचार, एक शुभ समाचार देने आया हूँ। आपके भ्राता श्री शीघ्र आपके राजमहलों में पहुंच रहे हैं, आप धूमधाम से तैयारी कीजिए और सभी अयोध्या वासियों को बता दीजिए। जिस समय भरत जी ने सुना, अरे मेरे भैया आ रहे हैं, अरे 14 वर्षों के इंतजार के पश्चात, कितने समय के पश्चात इस भूमि पर प्रभु श्री राम जी के पावन चरण पड़ेंगे। उसी समय भागे जाते हैं, वशिष्ठ जी को बताया, सभी ऋषि मुनियों को बताया, माताओं को बताया, एक एक का इंतजार आज फलीभूत होने जा रहा है। किसी का दिल, किसी की आंखें, किसी के श्रवण, किसी का हस्त, एक एक इंद्रियां प्रभु को देखने के लिए ललायत हैं, उनका स्पर्श करने के लिए ललायत हैं। कब हमारे प्रभु आएंगे? 14 वर्षों का बिच्छोह था, ये कोई छोटी बिच्छोह नहीं था। कितना लंबा बिच्छोह सहन किया है, कितना दर्द समेट कर बैठे हैं भक्त अपने अंतःकरण में। और जिस समय सभी ने सुना, अरे प्रभु आ रहे हैं अयोध्या में 14 वर्षों के बाद, तो सभी पुनः से वह अयोध्या जो पहले कभी दीपों से सजाई जाती थी, जहाँ नगाड़े मृदंग बजती थी, हर और खुशियाँ ही खुशियाँ थी, हर और चहल पहल थी, आज पुनः वही वातावरण, वही रंग देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है खोया हुआ वातावरण, खोई हुई सुगंधि पुनः प्राप्त हो गई हो। सारे अयोध्या वासियों की चहल पहल है और सभी प्रभु का इंतजार कर रहे हैं, प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उधर देखा, अरे प्रभु का विमान भी बहुत नज़दीक आ गया है। प्रभु अपने भक्तों के साथ विमान से नीचे उतरते हैं और सबसे पहले अपने अयोध्या की भूमि को प्रणाम करते हैं। जिस समय अयोध्या की भूमि को प्रणाम किया, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, आज भक्त और भगवान का मिलाप होने जा रहा है। जिस समय भरत ने प्रभु श्री राम जी को देखा, कहने लगे, प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और जो मैं 14 वर्षों से धरोहर के रूप में आपके राज्य को ले रहा हूँ, उसे सबसे पहले आप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मैं अबोध हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं इतने बड़े कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकता। अब आप आ गए हो, मैं निश्चिंत हो गया हूँ, अपने राज्य के कार्य को संभालिए। आज 14 वर्षों के पश्चात जिस समय प्रभु अयोध्या की भूमि पर आए, चहुं और आनंद ही आनंद फैल जाता है। और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष पहले जिस कार्य को करने की अभिलाषा सभी के अंतस में थी, आज वही अभिलाषा को पूर्ण कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जी का राज्य अभिषेक किया, अयोध्या में धूम मची है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और सभी मस्ती में प्रभु का जय जयकार करते हुए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। क्योंकि झूमने की बात है, आनंद की बात है, सबको आनंद देने वाले, सबको जीवन देने वाले, सबका मंगल करने वाले वह परमात्मा के पावन चरण अयोध्या की भूमि पर पड़े हैं और सभी श्री जानकी जी और प्रभु श्री राम जी को देखकर आनंदित हो रहे हैं। और अयोध्यावासी किस प्रकार अपनी खुशी का इजहार करते हैं, हम सभी अयोध्या में चलकर इस खुशी में शामिल होंगे, क्योंकि हमारे प्रभु का आगमन हुआ है, हमारे प्रभु का आगमन। और अयोध्यावासी अपने भावों को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, आइए हम भी एक भजन के माध्यम से उसी भावों का लुत्फ लेते हैं। 14 वर्षों बाद अवध में लौटे हैं रघुराए, 14 वर्षों बाद अवध में लौटे हैं रघुराए, अवध में बाजर शहनाई, अवध में बाजर शहनाई। 14 वर्षों बाद अवध में लौटे हैं रघुराई, 14 वर्षों बाद अवध में लौटे हैं रघुराई, अवध में बाजर शहनाई, अवध में बाजर शहनाई, अवध में बाजे शहनाई, बाजे शहनाई, अवध में बाजे शहनाई, बाजी रे शहनाई।
अवध में बाजे रे अवध में बाजे रे शहनाई। सच में प्रभु के आगमन पे अयोध्या में तो शहनाइयाँ बज रही हैं, दीपमालाएँ की जा रही हैं, और ये उस समय की बात ही नहीं है, आज भी हम वर्षों उपरांत भी दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, दियों की जगमगाहट करते हैं। परंतु आज हम इस बात पर विचार करेंगे, क्या सच में आज के परिदृश्य में रावण का अंत हो चुका है? रावण की प्रवृत्तियां तो अभी भी इस समाज में है, आज के परिवेश में, आज के परिदृश्य में देखने को मिलती है। वैमनस्य, आतंक, पर स्त्री गमन, ये सारी प्रवृत्तियां तो आज भी दिखाई देती हैं, समस्या तो वही की वही है। कौन कहता है रावण का अंत हो गया है? अभी रावण का अंत नहीं हुआ है, क्योंकि जितनी बुराइयां, जितनी प्रवृत्तियां रावण के अंतस में थी, आज वही
बहुत विकराल रूप लेकर हमारे सामने खड़ी हैं। इन प्रवृत्तियों को आधार देने वाला हमारा मन है, और जब तक हम अपने मन को सही दिशा नहीं देते, जब तक हम अपने मन को परास्त नहीं करते, तब तक हमारे अंतस में भी अंधकार रहेगा, प्रकाश होने वाला नहीं है। हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, परंतु यह सब चीजें तब ही आएंगी जब हमारे अंतःकरण में राम का प्राकट्य होगा। परंतु हम क्या करते हैं, हम रावण के पुतले को जलाकर आ जाते हैं, परंतु मन का रावण तो अभी वहीं का वहीं है, समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। हमने तो एक होड़ लगा रखी है, होड़ है, ज्यादा से ज्यादा किस रावण की चर्चा, सबसे ज्यादा रावण किसका ऊंचा है, जो सबसे ऊंचा रावण बनाता है उसी को ही इनाम पुरस्कार दिया जाता है। ये प्रतिस्पर्धा है। जरूरत सज्जनों रावण को बढ़ाने की नहीं है, जरूरत रावण को घटाने की है, कम करने की है उन प्रवृत्तियों को। और इस प्रवृत्तियों को कम करने के लिए हमारे अंतःकरण में इस शरीर रूपी अयोध्या जो एक प्रतीक है, इसमें राम का प्राकट्य होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अवध तहां जहां राम निवासु, अयोध्या वही है जहां पर राम का निवास होता है। और जब तक हमारे इस शरीर रूपी अयोध्या में राम का प्राकट्य नहीं होता, तब तक हम दुखों से, परेशानियों से अशांत ही रहेंगे, शांति हमारी झोली में आने वाली नहीं है। प्रभु के राम राज्य के समय वहां के लोगों को न आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक किसी प्रकार का भी दुख सताता नहीं था, परंतु आज हर जगह दुख ही दुख है। कहीं भी आप दृष्टि घुमाकर देख लो, आपको दुख ही नजर आएगा, सुख कहीं नजर नहीं आएगा। सुख ना आने का कारण ही यही है, क्योंकि अभी हमारे अंतःकरण में राम का प्राकट्य नहीं हुआ है। और जब तक हमारे अंतःकरण में राम का प्राकट्य नहीं होगा, तो राम जी के गुण हमारे जीवन में कैसे आ पाएंगे? और जब तक हमारे जीवन में राम जी के गुण नहीं आएंगे, हम शांत नहीं हो पाएंगे। हम शांत नहीं हो पाएंगे तो हम अपने घर को कैसे शांत कर पाएंगे? जिस दिन हमने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, उस दिन हम शांत हो जाएंगे। हम शांत होंगे तो हमारा मोहल्ला, हमारा राष्ट्र, हमारा विश्व अपने आप ही शांत हो जाएगा। फिर जाकर हमारे जीवन, हमारे राष्ट्र, हमारे समाज में राम राज्य आ सकता है। राम को जाने बिना राम राज्य नहीं आ सकता। जो स्वप्न भक्त देखते हैं, जो स्वप्न ऋषि मुनियों ने देखा कि राम राज्य साकार होता है, कलयुग सतयुग बन जाए, फिर कलयुग सतयुग बनेगा। बातों से कलयुग सतयुग बनने वाला नहीं है, क्योंकि सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, ये हमारी प्रवृत्तियां हैं, हमारे विचार हैं, हमारी सोच है, हमारी कल्पनाएं हैं, जो नीचे की ओर जा रही हैं। और जिस समय राम जीवन में आ जाएंगे, तो दिशा नीचे से ऊपर की ओर उठ जाएगी, और फिर भक्तों का जो स्वप्न है फिर साकार होगा। और भक्त क्या स्वप्न देखता है? अक्सर सर्वश्री आशुतोष महाराज जी इन पंक्तियों को गुनगुनाते हैं, राम राज्य साकार हो उठे। उनका एक प्रयास है कि राम राज्य साकार होना चाहिए, बातों में नहीं। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, राम राज्य साकार हो उठे, कलयुग सतयुग बन जाए। ये कलयुग को सतयुग बनाने की जो प्रक्रिया है, जब यह घटित हो गई तो राम राज्य स्वतः ही आ जाएगा। और यही बातें, यही गूढ़ रहस्य, यही आध्यात्मिक चर्चा हमें प्रभु श्री राम जी के वक्तत्व से सुनने को मिलती है। इसलिए हमने अपने शरीर रूपी अयोध्या में उसे पाना है, अपने जीवन में उसे पाकर निस्वार्थ, निराभिमानी, निराआसक्त बनना है। फिर देखना हमारा जीवन और हमारे समाज और हमारे विश्व में शांति स्वतः ही घटित हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ समझाने के लिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हम आपके मध्य में आए हैं। और जब यह बात, यह गूढ़ रहस्य हम समझ जाएंगे, तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अंत में प्रभु के चरणों में जोरदार जयघोष लगाएंगे, बोलिए सेवा रामचंद्र महाराज जी की, सच्चे दरबार की, कृष्ण बलदेव की, सत्य सनातन धर्म की, सदगुरु आशुतोष महाराज जी की। धन्यवाद।